हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतास किचन। आज मैं बना रही हूँ एक टेस्टी स्नैक्स रेसिपी, वेज मोमोज विद टोमेटो चटनी एंड वेज सूप। चटनी बनाने के लिए ले रही हूँ आधा कप पानी, 7 से 8 सूखी मिर्चें, 4 बड़े साइज़ के टमाटर। अब इनको 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, उसके बाद इसकी प्यूरी बना लेंगे। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिए हैं। दे रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक घिसा हुआ, 1.5 टीस्पून लहसुन घिसा हुआ। इन दोनों को आप चाहे तो चॉप करके भी दे सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट और ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून के करीब मिक्स करेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून विनेगर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, 1/2 टीस्पून और नमक। मैंने इनको टेस्ट किए थे, थोड़ी सी कम लग रही थी इसीलिए ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और इनको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। 10 मिनट के बाद चटनी पूरी तरह से बन चुकी है, इसको साइड में रखेंगे। सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतीले में 2 लीटर पानी गरम कर लिए है। दे रही हूँ 1.5 टेबल स्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार। मिक्स करेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन घिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून अदरक घिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। सब्जियों में ले रही हूँ आधा कप पत्ता गोभी चॉप की हुई, 2 टेबल स्पून के करीब गाजर और कैप्सिकम चॉप की हुई। आप आपकी पसंदीदा कोई भी सब्जी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून प्याज चॉप की हुई मिक्स करेंगे, 1 टी स्पून के करीब सोया सॉस, और इनको ढककर पकाएंगे हाई फ्लेम पर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। 2 टेबल स्पून के करीब तेल मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी देकर इस तरह की एक पतली बैटर बना लिया है, उसको डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मोमोज बनाने के लिए आधा किलो मैंने मैदा ले लिए हैं। ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून के करीब तेल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक सॉफ्ट मैदा लगा लेंगे। उसके बाद लोई बनाएंगे। स्टफिंग के लिए ले रही हूँ आधा किलो पत्ता गोभी, 4 मीडियम साइज के प्याज, 2 टेबल स्पून तेल, 1.5 टी स्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन घिसा हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक घिसा हुआ, 1 टी स्पून सोया सॉस। अब इन सबको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग तैयार है। लोई को रोल करके चपटा करेंगे, आटा लगाकर बेल लेंगे। उसके बाद एक कटोरी से मैं इनको काट लूंगी। सबसे पहले इसको हाथों में लेंगे और इसके भीतर 2 टीस्पून स्टफिंग देंगे। चारों ओर से लगा लेंगे पानी। उसके बाद दोनों साइड्स को चिपकाएंगे इस तरह से, प्रेस करेंगे और इसकी जो साइड्स है उनमें भी पानी लगाएंगे और फोल्ड करके चिपका लेंगे। और ये एक बहुत ही इजी मोमो की शेप तैयार है।
एक ही तरह से स्टफिंग देंगे 2 टीस्पून। चारों ओर से लगाएंगे पानी। उसके बाद साइड्स की तरफ से ऊपर का जो साइड है उसको प्रेस करके चिपकाएंगे और भीतर की तरफ देकर फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। फोल्ड और प्रेस। एक ही तरह से स्टफिंग लेंगे 2 टीस्पून और दोनों साइड को चिपकाएंगे। ये वाली मेरे बड़े भैया बना रहे हैं। उसके बाद इनको फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। ये वाली शेप बहुत ही कॉमन है। एक ही तरह से स्टफिंग 2 टीस्पून। चारों ओर से लगाएंगे पानी। उसके बाद दोनों साइड्स को चिपकाएंगे और आखिरी जो दो है उनको भी एक जगह समेट लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो साइड्स है उनको भी एक ही तरह से एक जगह पर समेट लेंगे। अब इनको हम स्टीम में पकाएंगे। मोमोज बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की एक प्लेट ले रही हूँ। आप चाहे तो मोमो मेकर भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसमें ही मोमोज बनाऊंगी। इस प्लेट को आप तेल से अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। इसके ऊपर आप मोमोज को रखेंगे। और इसको सूप के ऊपर रख देंगे। अब इनको ढककर पकाएंगे स्टीम में 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर। चाहे तो इस चैट को कॉटन से बंद कर देंगे। पूरे 10 से 15 मिनट के बाद हमारी वेज मोमोज बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको गर्म ही अब हम सर्व करेंगे। चटनी और सूप के साथ घर में ज़रूर ट्राई कीजिए शाम को नाश्ते में और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। चाहे तो आपकी बनाई हुई मोमोज की पिक्स मेरी फेसबुक पेज पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।